नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह यादव आप सबका संस्कृत शिक्षण विधि की इस अग्रिम क्लास में फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ईश्वर आपको स्वस्थ निरोगी रखे और आप सब अपने मनोवांछित लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पूर्व की क्लास में हमने पाठ्यक्रम परिचय, पाठ्यक्रम निर्माण की विधियां, पाठ्यक्रम रचना की विधियां और पाठ्यक्रम रचना के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर ली थी। अब हम पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के पारस्परिक सहसंबंध और इनमें जो अंतर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ स्मरणीय तथ्य भी जो है इसमें क्लास में आपके सामने आएंगे। देखिए, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या के मध्य स्मरणीय तथ्य पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या के मध्य सहसंबंध आश्रित स्मरणीय तथ्यों में देखिए। सबसे पहले पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ पठन पाठन योग्य क्रमिक विषय वस्तु है। जबकि पाठ्यचर्या का शाब्दिक अर्थ पठन पाठन की शैक्षिक रणनीति शिक्षा नीति एवं शिक्षण उद्देश्य प्राप्ति सुनिश्चित क्रियाकलापों का सुनिश्चित विधान है। तो देखिए, पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ है पठन पाठन योग्य क्रमिक विषय वस्तु, जबकि पाठ्यचर्या का शाब्दिक अर्थ है पठन पाठन की शैक्षिक रणनीति शिक्षा नीति एवं शिक्षण उद्देश्य प्राप्ति हेतु सुनिश्चित क्रियाकलापों का सुनिश्चित विधान है। अब देखिए,
पाठ्यचर्या का स्वरूप विस्तृत है जबकि पाठ्यक्रम का स्वरूप संकुचित है। क्योंकि क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के दिशा निर्देश अनुसार विभिन्न शिक्षण विषयों का पाठ्यक्रम एवं पाठ्य विषय वस्तु। अभी एक तरह से पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में सहसंबंध भी हो गया और उनमें अंतर भी हो गया, याद रखिएगा। निर्धारित होती है अब देखिए पाठ्यक्रम का निर्धारण विषय की प्रकृति के साथ विद्यार्थियों के एवं ध्यान में रखकर होता है। पाठ्यक्रम का निर्धारण विषय की प्रकृति के साथ विद्यार्थियों के शारीरिक एवं मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर होता है। जबकि पाठ्यचर्या का निर्धारण राष्ट्रीय स्थिति कालक्रम
शिक्षण प्रकृति एवं सह शैक्षिक के सफल संचालन के लिए होता है। पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या रूपी भवन का सर्वश्रेष्ठ कक्ष ऑब्लिक स्तंभ है। पाठ्यक्रम विषय वस्तु को परिभाषित करता है जबकि पाठ्यचर्या विषय वस्तु का पूर्व निर्धारण की आवश्यक परिस्थिति एवं संसाधन कराती है। देखिए, यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाठ्यक्रम विषय वस्तु को परिभाषित करता है जबकि पाठ्यचर्या विषय वस्तु के पूर्व निर्धारण की आवश्यक परिस्थिति और संसाधन उपलब्ध कराती है। अब देखिए, परंपरागत शिक्षण में शिक्षा के शिक्षक एवं शिक्षार्थी नामक दो मूल ध्रुव ऑब्लिक केंद्र थे क्योंकि
परंपरागत संस्कृत शिक्षण। रटन पद्धति पर आश्रित। तथा मौखिक था। देखिए, परंपरागत शिक्षण में शिक्षा के शिक्षक और शिक्षार्थी नामक दो मूल ध्रुवीय केंद्र थे, क्योंकि परंपरागत संस्कृत शिक्षण अधिकांशतः रटन पद्धति पर आश्रित तथा मौखिक था, जबकि आधुनिक शिक्षण पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या तथा पाठ योजना इत्यादि तीन पर निर्धारित है। यहां आश्रित शब्द सही रहेगा, आश्रित है। अब देखिए, पाठ्यक्रम के बिना शिक्षक एवं शिक्षार्थी लक्ष्य विहीन, ये इसकी उपयोगिता है, तथा दिग्भ्रमित हो जाते हैं। परंतु पाठ्यचर्या के बिना संपूर्ण शिक्षा पद्धति अपंग एवं दूषित हो जाती है। देखिए प्यारे विद्यार्थी, पाठ्यक्रम के बिना शिक्षक और शिक्षार्थी लक्ष्य विहीन और दिग्भ्रमित हो जाते हैं, परंतु पाठ्यचर्या के बिना संपूर्ण शिक्षा पद्धति अपंग और दूषित हो जाती है, यह ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, हमने छठवा पॉइंट पढ़ लिया था शायद, हाँ छठवा पॉइंट हो गया था, छठवा नहीं पांचवा होना चाहिए था, मैं यही कह रहा था ये पांचवा पॉइंट है, क्योंकि चौथा ही हुआ था ऊपर, छठवा अब आएगा। पाठ्यचर्या मातृवत तथा पाठ्यक्रम को
पुत्रवत, पुत्र के समान, समझना चाहिए, अर्थात पाठ्यचर्या साध्य है, जबकि पाठ्यक्रम लक्ष्य प्राप्ति हेतु साधन रूप विषय वस्तु है। याद रखिएगा, पाठ्यचर्या का निर्धारण सरकार शिक्षा विभाग नौकरशाह एक निश्चित समय अंतराल पर करते हैं, जबकि पाठ्यक्रम का निर्धारण शैक्षिक संस्थाओं के दक्ष होता है। देखिए, पाठ्यचर्या का निर्धारण सरकार शिक्षा विभाग नौकरशाह एक निश्चित समय अंतराल पर करते हैं, जबकि पाठ्यचर्या का निर्धारण शैक्षिक संस्थाओं के दक्ष विषय विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। भारतवर्ष की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ১৯৮৬ প্রথম সর্বমান্য রাষ্ট্রীয় পাঠ্যচর্যা থি नवीन सन 2020 हो चुकी है।
उसका प्रयोग शेष है। ये ध्यान दे, भारतवर्ष की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, सन 1986 की प्रथम सर्वमान्य राष्ट्रीय पाठ्यचर्या थी। नवीन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2020 की रचना हो चुकी है, परंतु उसका प्रयोग शेष है। ये ध्यान दे, अब देखिए, पाठ्यक्रम को शिक्षा शास्त्रियों द्वारा शैक्षिक विषय वस्तु माना गया है। आता है पाठ्यक्रम की उपयोगिता के आधार पर जॉन डीवी नामक विद्वान ने शिक्षण को त्रिआयामी माना है। जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम सम्मिलित है। देखिए, पाठ्यक्रम या विषय वस्तु कह सकते हैं इसको, एक तरफ है शिक्षक ये स्वतंत्र चर है, एक तरफ है शिक्षार्थी जिसको विद्यार्थी भी कह सकते हैं, ये आश्रित या परतंत्र चर कह सकते हो आप इसको, और ये है पाठ्यक्रम। इसे योजक कहा जा सकता है, अध्यापक और शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को जोड़ने वाला। तो प्यारे विद्यार्थियों, याद रखिएगा, पाठ्यक्रम को शिक्षा शास्त्रियों द्वारा शैक्षिक विषय वस्तु माना गया, अतः पाठ्यक्रम की उपयोगिता के आधार पर जॉन डीवी ने नामक विद्वान ने शिक्षण को त्रिआयामी माना है, जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं। इसमें देखिए, शिक्षक स्वतंत्र चर है, शिक्षार्थी आश्रित या परतंत्र चर है, और पाठ्यक्रम या विषय वस्तु योजक है। यह ध्यान रखना। तो प्यारे विद्यार्थियों, भलीभांति आपने आप समझ लिया कि पाठ्यक्रम में पाठ्यचर्या में क्या सहसंबंध है, क्या अंतर है और क्या क्या इसके स्मरणीय तथ्य हैं। इससे पूर्व आपने पाठ्यक्रम का परिचय, पाठ्यक्रम निर्माण की या रचना की विधि और सिद्धांत भी पढ़ लिए थे, और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तब तक सभी को मेरी ओर से नमस्ते,
जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।